दोस्तों अगर हम बात करें जियो में, एयरटेल में या फिर वीआई में, एक रिचार्ज प्लान जो तीनों देते हैं वो है 859 रुपये वाला, 859 रुपीज़ का रिचार्ज प्लान। और इस प्लान की मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा और तीनों ऑपरेटर की एक साथ बताऊंगा, तो तीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो जियो में जो है वैलिडिटी, तो वो वैलिडिटी आपको तीनों में सेम मिलेगी 84 दिन की, 859 रुपये में सेम वैलिडिटी आपको मिलेगी। एयरटेल में भी 84 दिन की, भी में भी आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। अब बात करते हैं डेली डेटा की, ठीक है। अब डेली डेटा में थोड़ा बहुत चेंज है। डेली डेटा की अगर हम बात करें, जियो आपको देता है 2 GB पर डे का डेटा, वहीं एयरटेल भी 2 GB पर डे का देता है, लेकिन वीआई आपको देता है 1.5 GB पर डे का, ठीक है। तो वीआई में थोड़ा सा अंतर है। अब बात करते हैं कॉलिंग की, कॉलिंग सेम है, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सभी दे रहे हैं, ठीक है। तीनों दे रहे हैं वीआई, एयरटेल और जियो अपना, ठीक है। कॉलिंग आपको सब में अनलिमिटेड ही मिल रही है। अब बात करते हैं एसएमएस की, एसएमएस भी आपको सेम मिल रहे हैं, 100 SMS पर डे के मिल रहे हैं, 100 SMS आप लोग पर डे के कर सकते हैं, जियो में भी, वीआई में भी और एयरटेल में भी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, अनलिमिटेड 5G डेटा किस किस में आपको मिल रहा है। देखिए अगर हम बात करें अनलिमिटेड 5G डेटा, तो जियो के 859 रुपये में मिलता है, एयरटेल के 859 रुपये में ही मिलता है, लेकिन वीआई में चेंज है क्योंकि 5G इसमें नहीं आया है ये लोग, लेकिन नाइट डेटा आपको दे रहे हैं। नाइट डेटा आप लोग अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, साथ में वीकेंड डेटा रोलओवर मिलता है आपको वीआई में, और साथ में डेटा डिलाइट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि वीक में अगर आप लोग यूज़ नहीं कर पाते उसे सैटरडे संडे यूज़ कर सकते हैं, और नाइट डेटा तो आपको फ्री में अनलिमिटेड मिल ही जाता है, ठीक है। कर लेते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन की, तो जियो में आपको जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में आपको मिलता है एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का प्रीमियम आपको मिल जाता है, और वीआई में कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है दोस्तों। तो गाइस मैंने आपको तीनों कंपनी के 859 रुपये वाले रिचार्ज की पूरी डिटेल्स बता दी है, क्या क्या अंतर है आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सी कंपनी आपको बेटर रिचार्ज प्रोवाइड कर रही है।